तो ये कहानी है दो भारतीय नौजवानों की जो निकलते हैं अपने घर से घूमने सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया। तो हमारे भारतीय नौजवान निकले हैं तो बसड़ और बकचोदिया होनी तो जायज है। तो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। सो दिस इज द ट्रेलर ऑफ माय अपकमिंग सीरीज सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया। कहाँ पे जा रहे हैं अभी हम? अभी हम जा रहे हैं भाई सिंगापुर। इसकी वजह से हमारी फ्लाइट ऑलमोस्ट छूटती छूटती बची, मतलब लास्ट मौके पे उन्होंने सारे गेट वगैरह खुलवाए, स्पेशल हमारी एंट्री करवाई। सिंगापुर पहुंचते ही फिर एक बसड़, मतलब बेल्ट नंबर 4 पे हमारा बैग आना था और हमें इमिग्रेशन में लग गया थोड़ा सा टाइम और कोई और बंदा वो बैग लेके चला गया। ओ बेदा दादा ने मैम नहीं थी जो बड़ी खड़ूस थी उसका बोल है नितिन बंकर को जो किडनैप हुआ था, 1 रुपया नहीं दिया था आरामी ने। फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं बॉटम आइलैंड इंडोनेशिया। और इंडियन मूवी देखना तमिल चल सकती है भाई, कोई भरोसा नहीं है, तमिल मूवी चल सकती है। $50 चेंज कराए, $1 का यहाँ का है ₹13,200, तो $50 के हमें मिले ₹6,60,000। रेट नॉर्मली है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है सिंगापुर से, तो ऑब्वियसली बात है सस्ते हैं। दो लाख पाँच लाख ये चल रहा है रेट, यहाँ पर बहुत महंगा नहीं है। हाँ बहुत महंगा नहीं है, बस कोई 5 लाख की चीज़ है, कोई 3 लाख की चीज़ है। कितने का ये? 11 लाख का है या फिर 1.1 1 लाख कितने का होगा ये? 11 लाख का है। ओ भाई साहब, 1 करोड़ की LED, सीरियसली यार, यहाँ तो प्राइस टैग देखने में मजा आ रहा है। तुम्हारा भाई पी रहा 10,000 रुपये की ड्रिंक। मार्केट है मतलब फूड वगैरह खाना, कोई पार्टी कुछ मसाज करानी हो स्पेशली। हम ऊबर ईट से फूड ऑर्डर करते रह गए, जोमेटो ने ऊबर ईट्स को ऑर्डर कर लिया। इंडोनेशियन बियर, तो ब्रांड का नाम है बिनटैंग। कौन सा ये पेन था जी? बिक टंकी फटी थी, दे देना देना मुझे क्योंकि इसमें टंकी फटी थी। इसमें टंकी फटी थी अक्षय को। सिंगापुर की मार्केट में अभी हम और कुछ हमारे इंडियन फ्रेंड्स मिले हैं। दिन काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि रात को हम पार्टियां कर रहे थे तो बहुत लेट सोए, अभी उठे थे मतलब हम 2-3 बजे और खाया पिया बस अभी निकले एक्सप्लोर करने। चढ़दा चक दे फटे नप दे गिल्ली सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली। सेंट्रल सिख गुरुद्वारा राइट नाउ और ये बस है, काफी ही कंफर्टेबल बस है, काफी कंफर्टेबल सीट है। भूख लगी है बहुत तेज यार, कुछ खा के नहीं निकले। कोई रूम टूर कराता हूँ छोटा सा, यहाँ पे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, किचन, कितना खा लो। द ट्विन टावर, और अभी हम हैं अपने अपार्टमेंट में कुआलालंपुर मलेशिया और गोलगप्पे खा रहे हैं अभी हम यहाँ पे। अब ट्रैकिंग स्टार्ट, तो अभी उन्होंने मले में बोला है, कुछ पता नहीं चला क्या अनाउंसमेंट किया, बट गेट नंबर 6 बोला और सारे जितने भी बैठे थे सारे गेट नंबर 6 की तरफ चले गए, तो हम भी जाके पता कर रहे हैं। और लाइफ में फर्स्ट टाइम एक केव क्रॉस करूंगा मैं बोट के अंदर। तो हम जा रहे हैं कुआलालंपुर एक्सप्लोर करने, नीचे से नहीं ऊपर से, मतलब फ्रॉम द टॉप।
एरियल शॉट फ्रॉम अवर पर्सनल ड्रोन। मतलब 60 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट और सीरियसली और 2 बजे की हमारी फ्लाइट है और 4 घंटे में आपा पहुंच जाएंगे इंडिया। सुबह 4 बजे तो आपा लैंड हो जाएंगे इंडिया और इंडिया में लैंड होते ही अपने अपने घर पहुंच गया केएल टावर। और केएल टावर यार बहुत बड़ा है यार, बहुत गजब। वहां पे ट्विन टावर है साइड। थैंक यू वेरी मच, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। पिक्चर अभी बाकी है।